वेलकम बैक बच्चे, आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन एरर्स, ठीक है? कॉमन एरर्स एडजेक्टिव का। आप जो डिमांड करते हो मुझे पता है, आप कहते हो सर एडजेक्टिव का कोई एरर नहीं दिया, आज ले लो। आप जो चैप्टर चाहिए आप ले लो वीडियो, अगर पूरा वीडियो चाहिए ना तो इस वेबसाइट पे जाओ, वहां पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहां पे दे रहा हूं, ब्रेकफास्ट टाइम में पढ़ो, लंच के टाइम में पढ़ो, डिनर के टाइम में पढ़ो। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस सीख लाना चाहिए। भारत में जो भी एग्जाम है बेटा देखो, जिस एग्जाम का फॉर्म भरते हो भरो, और जो पढ़ाता हूं यूट्यूब पे बस पढ़ते रहो, और पूरे भारत में इस को शेयर करो। सीखते कैसे, अंग्रेजी का रूट क्या है, बस देखो यार रूट क्या है। एडजेक्टिव कह रहे द हार्ड यू वर्क द मोर यू विल बी पेड, नो एरर। एक्चुअली हम लोग बनाते हैं एरर ना तो समझ में नहीं आता, इसलिए जब भी आप बनाए कॉमन एरर्स तो पूरे को एक बार पढ़ लीजिए। जैसे द हार्ड यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। अब कैसे निकाले तो ध्यान देना बाबू, एक रूल काम करता है कि द हार्ड यू वर्क द मोर, देखो द प्लस कॉम्परेटिव आया ना, तो द के साथ मोर कॉम्परेटिव होता है, तो डिग्री पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो यहां पे मोर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। आप ये मत देखो कि दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस दो क्वेश्चन के माध्यम से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं अगर इस पैटर्न पे पूछे तो। तो सबसे पहले सीखने का प्रयास करना है कि द हार्ड यू वर्क द मोर यू विल बी पेड, नो एरर। तो द प्लस कॉम्परेटिव और द यहां भी लगा है, और द के बाद यहां पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव हार्ड, हार्ड का कॉम्परेटिव हार्डर होता है। तो ध्यान रखो एक सेंटेंस में एक ही डिग्री होना चाहिए, दो डिग्री नहीं होना चाहिए। इसका रूल क्या काम करता है वो ध्यान दो, रूल काम करता है द प्लस कॉम्परेटिव डॉट डॉट फिर से द प्लस कॉम्परेटिव, यानी द प्लस कॉम्परेटिव द प्लस कॉम्परेटिव। जैसे मैं बोलूं द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू रीड द मोर यू स्टडी, द मोर यू रीड द मोर यू गेन नॉलेज, द मोर ही हैज द मोर ही वॉन्ट्स, द मोर ही हैज द मोर ही वॉन्ट्स, द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज। तो द प्लस कॉम्पिटिव द प्लस कॉम्पिटिव, तो द द एक जगह पे द आया तो आगे भी द आएगा, यानी दोनों का डिग्री सेम होगा। द हार्डर, ये हार्ड से क्या हो जाएगा, द हार्डर यानी सही हो जाएगा इसका, द हार्डर द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड, यानी फिर सुन लो द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर ही हैज द मोर ही वॉन्ट्स, द सूनर यू गो फ्रॉम हियर द बेटर इट इज। क्लियर? तो द प्लस कॉम्परेटिव द प्लस कॉम्परेटिव, इसका हिंदी होता है जितना उतना। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे, जितना उसके पास है उतना और चाहता है। तो मोर ही हैज द मोर ही वॉन्ट्स, जितना ऊपर जाओगे द हायर यू गो उतना ठंड पाओगे, द कूलर यू फील द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड, जितना कठिन परिश्रम करोगे उतना तुम्हें दिया जाएगा। तो यहां एरर कैसे पकड़ना है, द प्लस कॉम्पिटिव द प्लस कॉम्पिटिव। क्लियर? अगला कंसेप्ट पॉइंट नंबर टू देखो, यहां आंसर क्या हो गया, ए पॉइंट, द एटमोस्फेयर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन दोज ऑफ नैनीताल। अब बेटा ध्यान देना, अभी यूट्यूब तुम खोले हुए हो ना, अब यूट्यूब पे जाना, एक दैट ऑफ और दोज ऑफ का एक वीडियो बनाकर दिया हूं, किसका, दैट ऑफ और दोज ऑफ का एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है, ठीक है? ध्यान देना, जब कोई समान नाउन का तुलना हो, जब किसी नाउन का रिपीटेशन हो, यहां पे तुलना है एटमॉस्फेयर का कि द एटमॉस्फेयर ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का तुलना नहीं दस नहीं हो रहा, द एटमॉस्फेयर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन दोज ऑफ नैनीताल। तो नैनीताल का तुलना कश्मीर से नहीं हो रहा, यहां तुलना किसका हो रहा है, एटमॉस्फेयर का, यानी द एटमॉस्फेयर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन द एटमॉस्फेयर ऑफ नैनीताल। क्लियर? तो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर वर्ड दो बार ना आए, इससे बचने के लिए दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, किसका, दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दोज ऑफ प्रयोग करते हैं प्लूरल में और दैट ऑफ प्रयोग करते हैं सिंगुलर में।
दैट ऑफ प्रयोग करते हैं सिंगुलर में, तो बोलो एटमोस्फेयर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो दोज ऑफ के बदले में क्या आ जाएगा बाबू, दैट ऑफ, क्या आ जाएगा दैट ऑफ, क्यों आ जाएगा ताकि एटमोस्फेयर दो बार ना आए, तो बन जाएगा द एटमोस्फेयर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन दैट ऑफ नैनीताल, दैट ऑफ नैनीताल, ठीक है दैट ऑफ नैनीताल, तो यहां दो जो बदले दैट ऑफ होगा क्योंकि एटमोस्फेयर रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चे? तो इस वीडियो को कहां से लिंक करोगे, हमने यूट्यूब पर ही दैट ऑफ और दोज ऑफ बनवाया है, उसको ढूंढो और देखने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी मैं आज आपको दे रहा हूं ब्रेकफास्ट वर्ड, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वोकैबुलरी देख लो 5 मिनट का, लॉन्ग वीडियो भी मिलेगा, शॉर्ट वीडियो भी लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, वो क्या फटाफट ऑन करा, देखा आगे बढ़ गया, ठीक है। साथ साथ दोनों काम करेंगे हम लोग। आज हम लोग का वोकैबुलरी ब्लिक, ब्लिक उदास उजाड़, ब्लिक मैं आपको अभी अभी कभी याद करवा दूंगा, बस मेरे साथ याद करो, ठीक है ना। तो ब्लिक पहला वर्ड उदास या उजाड़, इफीजी का मतलब पुतला, फर्वेंट कहते हैं जो शिला को, सप्पल कहते हैं लचीला को, ब्रोबिट का मतलब धमकाना, ब्रोबिट, ठीक है। अब मेरे साथ याद कर दो, यहां वर्ड है ब्लिक, आराम से देखो ब्लिक, हमने क्या कहा था वो कैब में, ये पार्ट 8 या 9 होगा, अगर याद करोगे यहां से बाहर किसी एग्जाम में नहीं आएगा गारंटीड, चाहे सीपीओ हो चाहे एसएससी हो। आप यह मत चिंता करो कि सर 5 वो कैब है, पूछते कितने हैं तुम्हारे, 5-10 ही तो पूछते हैं, वही 5-10 अगर कर लिया तो एग्जाम तुम्हारा पास हो गया, ठीक है बाबू, एग्जाम में तुम निकल गए, पास हो गए, नौकरी लग गई समझो, कैसे ब्लिक उदास, ब्लिक बिल लिक, बिल लिक ब्लिक, दुकानदार का बिल लिक हो गया, उदास बैठा है, दुनिया उजड़ गई उसकी, क्यों बिल लिक ब्लिक, बिल लिक ब्लिक, ब्लिक बिल लिक ब्लिक, ब्लिक मतलब उदास उजाड़, बिल लिक हो गया, उदास हो गया, उजाड़ हो गया, याद हुआ, अब बैठे रहो, आगे देखो इफीजी पुतला, इफीजी कहते हैं पुतला को, इफीजी फीजी नहीं सुनते हो, ऐश्वर्या राय बच्चन का पुतला इफीजी बनाया गया, फीजी अमिताभ बच्चन का पुतला, तो बहुत लोगों का पुतला कहां बनता है, फीजी में, इफीजी फीजी पुतला कहां बनता है, फीजी, इफीजी फीजी फीजी में बड़े बड़े महापुरुष का पुतला बनाया गया, तो फीजी को लिंक कर लो, फीजी पुतला कहां बना है, फीजी में। अगला वर्ड फर्वेंट जोशीला, फर्वेंट लिंक करो, फर्वेंट सर्वेंट, सर्वेंट कैसा चाहिए, जोशीला चाहिए, फर्वेंट जोशीला, फर्वेंट लिंक करो सर्वेंट से, सर्वेंट कैसा चाहिए, जोशीला चाहिए, तो फर्वेंट सर्वेंट जोशीला, उल्टा पुल्टा करो याद हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं, सप्पल लचीला, सप्पल चप्पल, सप्पल चप्पल, तुम चप्पल पहनते हो स्लिप, तो चप्पल पहनते हो, चप्पल कैसा चाहिए, लचीला आरामदायक, तो सप्पल को लिंक कर लो चप्पल से, चप्पल चाहिए लचीला, याद हो रहा है ना, ब्रोबिट धमकाना, ब्रोबिट धमकाना, ब्रो बिट, बिट मतलब बोलो पिटना होता है कि नहीं, ब्रो ब्रो कहते हैं आईब्रो को, ब्रो बिट धमकाना, तो ब्रो बिट, घर में पति पत्नी है, पत्नी आईब्रो दिखाती है पति को, पति कहता जी जैसा कहिए वैसा ही होगा, तो पत्नी क्या करी, ब्रो बिट यानी ब्रो से ही बिट कर दी पति को, ब्रो से ही पिट दी, पति अपने आप डर गया, ठीक है ठीक है ठीक, वही काम होगा, तो ब्रो बिट आई ब्रो से धमका दिया, ब्रो बिट ब्रो से ही पिट दिया, बिट कर दिया, धमका दिया, पति हार गया, तो ब्रो बिट धमकाना, धौंस जमाना, घर में धौंस कौन जमाता है, पत्नियां, तो ब्रो बिट धमकाना, क्लियर, मेरे साथ बोलो एक बार ब्लिक, बोलो ब्लिक उदास, बोलो बैठो मत, ब्लिक उदास उजाड़, इफीजी पुतला, इफीजी पुतला कहां पुतला बना, फीजी में, फर्वेंट जोशीला, सर्वेंट जोशीला, फर्वेंट जोशीला, सर्वेंट जोशीला, सप्पल लचीला, चप्पल सप्पल चप्पल लचीला, ब्रोबिट ब्रो से धमका दिया, धमकाना, इसको मेरे साथ बोल लिया, अब इस वर्ड को लिख लो और लिख करके याद कर लो, और याद हो गया होगा बार बार देखो, और हाँ हमने कहा था क्रांति की बात, पूरे भारत में फैलाओगे क्रांति तभी आएगी, ठीक है, देखो और मित्रों को भी दिखाओ और सीखो सिखाओ और पूरी तरह से फैलाओ,
जो फैलाओगे पूरा भारत फैलेगा, आप महान बनोगे दुनिया महान बनेगा, आप सीखोगे जग सीखेगा। इसलिए हमेशा सीखो और हमेशा दूसरों को भी सिखाओ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।